डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें भी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर में एक्सपोनेंशियल की पावर में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डिफरेंशिएट करें वाई को हम कैसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ ये फंक्शन भी जो है ये दो हमारे पास जो दोनों है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन ए की पावर साइन एक्स प्लस ए की पावर साइन एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास डेफिनेशन में अप्लाई करेंगे ए की पावर साइन एक्स एज इट इज डॉट डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर में होगा, ठीक है, प्लस ए की पावर साइन एक्स, डेरिवेटिव लेंगे जब एक्स का तो हमारे पास हो जाएगा वन, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ए की पावर साइन एक्स, डेरिवेटिव साइन का हमारे पास होता है कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स, वो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए की पावर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हम ये ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें, ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा वो वन प्लस एक्स कॉस एक्स, ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वन हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स ये हमारे पास बचेगा।